हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस। आज हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है सॉइल के बारे में। सॉइल आप जानते हैं ना, सॉइल क्या होता है? मिट्टी होती है। सॉइल क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी कहाँ से आपको पता है ना, मिट्टी में जन्म हुआ, मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले साइंस में कुछ नया काम कर जाएंगे, तो देखते हैं। साइंस की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं। सॉइल के बारे में आप जानते हैं ना, सॉइल क्या होता है? आपने देखा सभी ने सॉइल? ओ अच्छा, तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक स्रोतों से हमें मिला हुआ है, हम लोगों ने बनाया नहीं है इसको। हमारे पर्वतों से जो पत्थर टूटते हैं, वो नदियों के द्वारा बहते हुए हमारे डेल्टा मैदानी भागों तक पहुंचते हैं, और मिट्टी के रूप में टूटते, कण कण के टूटते हैं, उससे ही हमारी सॉइल निकल के चली आती है। तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमें सॉइल पे भी वर्क करना चाहिए और पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हमारा सॉइल का कंजर्वेशन बना रहे और हमें प्रकृति की न्यू से न्यू चीजें मिलती रहे। तो देखिए सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है। सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट्स भी अच्छा ग्रोथ करता है। अगर सॉइल बेकार है तो प्लांट आपका ग्रोथ अच्छा नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन सॉइल। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, वैसे सॉइल में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, वो होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। द सॉइल इज मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और सॉइल का जो मेन वर्क है वो एग्रीकल्चर के लिए भी होता है। हमारे जो किसान होते हैं, उनके जो खेतों की मिट्टी होती है, जिस किसान की खेत की मिट्टी जितनी अच्छी होती है, उसकी फसल की पैदावार भी उतनी अच्छी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करें तो परकुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल होता है। इसलिए एक हमारा फार्मूला है, परकुलेशन रेट अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकुलेशन टाइम। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल को न्यू तरीके से लिया है, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में सॉइल के नंबर नहीं रहेंगे, याद रहेंगे, तब तक हमें सॉइल की डिफिनेशन नहीं तैयार हो पाएंगी। सॉइल के टाइप के बारे में पूरे अच्छे तरीके से दिमाग में नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं ट्रिक के साथ आपको सॉइल बताऊंगा कि एस स्क्वायर एलआईसी। एलआईसी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एलआईसी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम है, ठीक है, जो लोगों का बीमा करती है। अब मैंने भी साइंस में एलआईसी को ले लिया, क्योंकि मुझे भी टाइप्स ऑफ सॉइल का बीमे की जरूरत थी। तो एस स्क्वायर एलआईसी, एस स्क्वायर एलआईसी, एस दो है इसलिए एस को मैंने दो ले लिया। एक एस से संडी हो गया, दूसरे एस से सिल्ट हो गया, फिर इस एल से लूमी हो गया, आई से कोई मतलब नहीं है, वो तो कोडिंग में लाया था मैं, और सी से क्ले हो गया। लूमी सॉइल, लूमी, अब लूमी सॉइल का जो दूसरा नाम है वो क्या? एग्रीकल्चर सॉइल है। लूमी सॉइल का दूसरा जो नाम है वो क्या? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सॉइल। देखिए लूमी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल है। और हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो कितनी होती है, कभी कभी उनकी नंबरिंग पूछी जाती है तो 4 होती है। कितनी होती है भाई? 4 होती है। अब लूमी सॉइल का दूसरा नाम एग्रीकल्चर सॉइल है, सबसे बेस्ट सॉइल यही है, ये लूमी। बेस्ट सॉइल कौन है? लूमी। अब इससे हम लोग बात करते हैं सैंडी सॉइल की, ठीक है। सैंडी, कैंडी टॉफी भी आपने खाई होगी, तो सैंडी की बात करते हैं। सैंडी सॉइल क्या होती है? इसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं। जब भाई बिग पार्टिकल्स होंगे तो स्पेस भी बड़ा होगा, और जब स्पेस बड़ा होगा तो पानी कम रुकेगा। ओके स्टूडेंट्स, सिल्ट सॉइल की बात करते हैं। सिल्ट सॉइल क्या होते हैं कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉलर होते हैं। इसके पार्टिकल कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं, और जब स्मॉलर होते हैं, और ये क्ले और सैंडी से दोनों से क्या होते हैं? दोनों से स्मॉल होते हैं। किससे? बहुत क्ले एंड सैंडी, क्ले एंड सैंडी से स्मॉल। उसके बाद लूमी के मैंने आपको बता ही दिया। लूमी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। उनका अमाउंट ऑफ लार्ज होता है, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसके? लूमी के होते हैं। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है सैंडी क्ले सॉइल से बहुत ही बेटर होता है। किसका? लूमी सॉइल का। अब क्ले सॉइल की बात करते हैं, तो क्ले सॉइल क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बहुत अच्छे तो होते हैं, लेकिन बहुत
कम होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। जब भाई स्पेस कम होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे टिक ही नहीं पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। अगर स्पेस कम हो, साफ से लिखू, अगर स्पेस कम होगा तो पेड़ पौधे वहां नहीं उग पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब स्पेस कम होगा तो एयर नहीं पहुंचेगी, जब एयर नहीं पहुंचेगी तो नाइट्रोजन गैस नहीं पहुंचेगी, और जब नाइट्रोजन गैस नहीं पहुंचेगी तो पेड़ की जो रूट होगी वो सही से डेवलप नहीं कर पाएगी, और जब रूट नहीं डेवलप करेगी तो स्टेम कैसे वर्क करेगा। इसलिए लूमी सॉइल को सबसे बेस्ट सॉइल बोला गया है। तो आज हमारा पार्ट वन में टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन था जो कंप्लीट हुआ। इसमें चार पांच क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें अपने दिमाग में कुछ ट्रिक के द्वारा कुछ पॉइंट रखना है। जब दिमाग में पॉइंट होंगे तभी तो टैलेंट आपके दिमाग से निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।